आदाब, बहुत बहुत इस्तकबाल है आप सभी का। आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री विद्या चैनल, मैं हूं आपके साथ धर्मेंद्र सिंह। ये जो सेशन है वो है लैंग्वेज उर्दू से मुतल्लिक और कक्षा नौकरी जमात के विद्यार्थियों के लिए। आज हम कुछ खास लेकर आए हैं। क्या लेकर आए हैं, चलिए आपको मैं बता देता हूँ। आज हम सभी के लिए लेकर आए हैं बतौर खास कक्षा नौ के लिए वली की गजल। ठीक है, गजल क्या होती है और क्या कुछ इसकी खासियत है, और वली साहब का नाम इसमें आगे जुड़ा हुआ है, तो जनाब जाहिर सी बात है कि ये इसके शायरी हो सकते हैं, इनके बारे में भी हम मालूमात करेंगे और इससे संबंधित पाठ्यक्रम में हमें क्या इससे महत्वपूर्ण जानकारियां मिल सकती हैं, क्या कुछ इसमें सीखने को मिल सकता है, इस पर तफसील से हम आधे घंटे के लिए बात करेंगे। इससे संबंधित, इससे मुतल्लिक आपके कोई प्रश्न है, कोई क्वेरी है, तो आप संपर्क करेंगे हमारे टोल फ्री नंबर पर। जल्दी से लिख लीजिए 8800440559। यहाँ पर आप कॉल करके अपने प्रश्न साझा कर सकते हैं। आप अपने प्रश्नों को मेल कर सकते हैं, कहाँ करेंगे, ऑफिशियल मेल आईडी फॉर क्लास 9 स्टूडेंट dth.class9@cit.nic.in पर। और अगर आपकी कोई शिकायत है कि आपको कार्यक्रम के बारे में जानकारी नहीं मिल पा रही है, शेड्यूल नहीं मिल पा रहा है, तो आप क्या करेंगे, आप सीआईटी और स्वयंप्रभा की जो वेबसाइट है वहां पर जाएंगे, वहां पर सारी चीजें अवेलेबल हैं। आप उस पाठ्यक्रम को, उस टेक्स्ट को, उस शेड्यूल को आराम से देख सकते हैं और ऑनलाइन सोर्स मटेरियल का लाभ उठा सकते हैं। समय हो गया है अपने आज के एक्सपर्ट को इनवाइट करने का, उनका खैर मकदम करने का। बहुत बहुत स्वागत है प्रोफेसर मोहम्मद मोजुमदीन, जो की डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन लैंग्वेजेस एनसीईआरटी से ही हमारे साथ अवस्था है। बहुत बहुत इस्तकबाल है सर आपका। बहुत बहुत शुक्रिया जो है बच्चों, आपका भी इस्तकबाल है, नाज़रीन का भी इस्तकबाल है इस प्रोग्राम में। चलिए, तो आज हम गजल के बारे में गुफ्तगू करने वाले हैं, तो सबसे पहले डॉक्टर साहब हम सभी ये जाने कि गजल होती क्या है और इसकी क्या क्रिएशन है, कैसे हम माने कि गजल ये है। अच्छा चलिए, ये गजल समझ लेते हैं। बच्चों आदाब, जैसा कि आपको अभी बताया गया कि आज हम खास शायर के बारे में जानने की कोशिश करेंगे, और वो एक बहुत अहम शायर है, उसका नाम है वली। ये वली के बारे में भी हम बात करेंगे, उनकी गजलों के बारे में बात करेंगे। ये हमारे अभी तक हम नसर के सबक पढ़ते रहे हैं, लेकिन आज हम शायरी का सबक यानी गजल के बारे में जानना चाहते हैं। तो गजल होती क्या, सबसे पहले वली की गजल को समझने के पहले हमारे जहन में यह बात होनी चाहिए कि हम कैसे पहचानेंगे कि यह गजल है। तो गजल को जानने के लिए इसके कुछ खास बातें होती है, इसमें कुछ खास चीजें होती है, उनके बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले आइए हम गजल के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। तो गजल जैसा कि हमें मालूम है कि पांचवी स्लाइड कर दीजिए, गजल लेके गजल पांच, नंबर पांच बस, ठीक है। तो किसी भी, जो हम आपको मालूम है कि हम किसी भी लिटरेचर को जब पढ़ते हैं या अदब को पढ़ते हैं, तो उसके दो हिस्से होते हैं, एक उसका हिस्सा प्रोज कहलाता है और एक हिस्सा पोएट्री कहलाता है। और हर प्रोज और पोएट्री के बहुत सारे लिटरेरी फॉर्म होते हैं, जिसको हम विधायक कहते हैं, या अगर हम उर्दू में बात करते हैं तो असनाफ कहते हैं। तो हमारे नसरी असनाफ भी है और शहरी असनाफ भी। शहरी असनाफ की हम बात करते हैं तो उसमें सबसे नुमाया सिंफ गजल है। गजल उर्दू शायरी की एक बहुत ही मकबूल और तवाना सिंफ है। गजल को जो आज भी उतनी ही अहमियत है जितनी की पहले रही थी, आज बहुत सारी असनाफ और उतनी अहमियत की हामिल नहीं रही है। उनकी कदर तो है, अपनी जगह पर उन्हें हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। कसीदा है, मसीहा है, मसनवी, इन सारों की अपनी अपनी जगह पे अहमियत है, लेकिन गजल के आज भी जो है लोगों के दिलों में बसती है। कोई भी शायर हो, सबसे पहले वो गजल की तरफ ही मायल होता है और शायरी करता है। तो किसी भी चीज को, किसी भी लिटरेरी फॉर्म को पहचानने के लिए, जानने के लिए हमें दो बातों का जानना जरूरी है, यानी एक तो उसका मौजू, यानी क्या बात कही गई है यह उसके मौजू से ताल्लुक रखती है, और कैसे कही गई है यह उसके फॉर्म यानी हैजत से ताल्लुक रखती है। तो सबसे पहले गजल की हैजत को हम समझ लें, तो उसके बाद हमें गजल के जानना आसान हो जाएगा। गजल के अपना देखिए, इसमें मुख्तलिफ अशार होते हैं और हर शेर के अपने अलग अलग मतलब होते हैं। किसी भी एक शेर के मतलब को समझने के लिए दूसरे शेर के मतलब की जरूरत नहीं होती, यानी गजल का हर शेर इंफरादी हैसियत रखता है, उसकी अपनी खासियत होती है। और गजल का पहला शेर मतला कहलाता है। मतले की खास बात यह है कि इसमें काफिया भी होते, इसके दोनों मिसरों में काफिया भी होता है और अदीब भी होता है। अभी जब हम वली की गजल पढ़ेंगे तो बताएंगे काफिया किसे कहते हैं, अदीब कहते हैं, लेकिन आप इतना जानिए कि गजल के बारे में जो हम जानना चाहे, तो उसमें सबसे पहला इसका पहला शब्द जो है वो मतला कहलाता है। मतलब के में यानी पहले मिसरे में और दूसरे मिसरे में भी काफिया होना चाहिए और अदीब होनी चाहिए। काफिया का मतलब जैसे कि अगर हम ये कहें तो
कि रदीफ रदीफ को पहले हम समझते हैं रदीफ के लुगवी मानी यानी डिक्शनरी में माने दिए हुए हैं, वो घोड़े ऊंट या किसी और पर सवारी पर सवार के पीछे बैठने वाला शक्ति या रदीफ कहलाता है। लेकिन जब गजल गजल और कसीदे में इसको हम लेते हैं इस्तलाही मानों को उसके टर्म के हिसाब से हम देखते हैं, यानी गजल कसीदे के अशार में काफिये के बाद बार बार आने वाले लफ्ज जो है वो रदीफ होती है। अल्फाज रदीफ में अल्फाज तब्दील नहीं होते, यानी जो पहले मिसरे में रदीफ आई है वही दूसरे मिसरे में भी रहेगी और बाकी अशार के दूसरे मिसरे में वही रदीफ होगी, वो तब्दील नहीं होते, वो हर मिसरे के आखिर में आते हैं। यह रदीफ एक लफ्ज की भी होती है, दो या दो से ज्यादा लफ्जों की भी होती है और कभी कभी पूरा एक जुमला भी होता है। जैसे मोमिन खा मोमिन की एक बहुत मशहूर गजल है, तुम्हें याद हो कि ना याद हो, तुम्हें याद हो कि मैं वही हूँ मोमिन मुब्तला, तुम्हें याद हो कि ना याद हो, ये तुम्हें याद हो या ना याद हो या तुम्हें याद हो कि ना याद हो, ये हर शेर के दूसरे मिसरे में इसकी तकरार होती है तो ये रदीफ होती है। अच्छा, बाद गजलें ऐसी भी होती हैं जिनमें रदीफ नहीं होती, तो उन गजलों को हम कहते हैं कि गैर मुरद्दफ गजल कहते हैं, और जिस गजल में रदीफ होती है उसके मुरद्दफ गजल कहते हैं, जिस पर रदीफ नहीं होती है उसको गैर मुरद्दफ कहते हैं, लेकिन काफिया सभी गजलों में होता है। अगली स्लाइड पे आइए, देखिए काफिया कहते हैं पीछे चलने वाले शख्स को या बार बार आने वाले शख्स को, हम काफिये की जब पहचान करते हैं तो इसमें हम आवाज अल्फाज को हम काफिया कहते हैं। जैसे हम कहें कातिल, दिल, बिस्मिल, साहिल, शामिल, तो यहाँ पे आखिर में जो आवाज निकलती है ला के साथ या लाम के साथ उसके पहले जेर की आवाज निकलती है, तो ये एक हम आवाज अल्फाज कहलाते हैं, ये काफिया है। काफिये के लिए जरूरी नहीं कि तमाम अल्फाज हम वज्न भी हों, हम वज्न होना जरूरी नहीं है बल्कि हम आहंग होना जरूरी है। जैसे अगर हम कहें गुल और दिल, तो ये दोनों अल्फाज हम वजन है लेकिन इनकी आवाज अलग, एक की आवाज फूल निकल रही है यानी फूल, एक के दिल निकल रही है, तो यह काफिया नहीं है। लेकिन अगर उसी को गुल को पे हम देर लगा दें गाप पर, गिल पढ़े और दिल पढ़े, तो यह काफिया हो जाएंगे। गिल माने होता है मिट्टी। तो इसी तरह जो है और भी हम देख सकते हैं कि गुल है, तगाफुल है, बुलबुल है, ये हम वजन नहीं है लेकिन हम आहंग है। तो बात ये तय हो गई कि काफिये के लिए आवाज का हम आहंग होना जरूरी है, लफ्जों की आवाज हम आहंग हो, लेकिन रदीफ के लिए बात वही आती है कि बार बार हर शेर के दूसरे मिसरे में होता है। और इसमें गजल के अशार में तादाद की कोई कैद नहीं होती, कितने अशार होने चाहिए, आमतौर पे 5, 7, 9, 11 इस तरह के होते हैं, लेकिन कभी कभी जो पहले जमाने में शायरी की जाती तो उसमें 17-17 अशार की गजलें होती थी और एक ही बहर और वज्न में 17 अशार, फिर उसके बाद दूसरी गजल भी उसी बहर और वज्न में शुरू कर दी। तो इस तरह इन गजलों को एक गजला, दो गजला, सह गजला, चार गजला वगैरह कहते थे। जो शायर बहुत ही अपने काकी पर उनके अबूर होता है, जबान भी अबूर होता है, उनका दिमाग बहुत हाजिर जवाब होता है, बहुत काम करता है, तो उनके यहाँ गजलें एक गजला दो गजला मिलती है। और जैसा कि हमने ये कहा कि हर गजल का हर शेर अपना एक इकाई है, इसी तरह का है, यानी किसी शेर के को समझने के लिए दूसरे शेर के मतलब की जरूरत नहीं होती, लेकिन इसके बावजूद कुछ गजलें ऐसी हैं कि एक ही पूरी गजल में एक ही तरह की कैफियत होती है, एक ही तरह के ख्याल की तर्जुमानी होती है, उसको हम गजलें मुसलसल कहते हैं। जैसे अगर आप वो तेरा कोठे पे नंगे पांव आना याद है, हसरत मुहानी की यह गजल देखें, तो इसमें पूरी कैफियत जो है एक ही तरह की है, वो ये गजलें मुसलसल हम कहते हैं। तो इस तरह से गजल की एक खास बात होगी, इसका पहला शेर मतला कहलाता है, मतले के बाद अगर दोनों में से बाद के शेर के भी दोनों मिसरे में रदीफ और काफिया है तो वो ज़ेब मतला कहलाते हैं या हुस्न मतला कहलाते हैं या मतले सानी कहलाते हैं, अलग अलग नाम दिया गया है। गजल का आखिरी शेर जो होता है मक्ता कहलाता है, यानी यहाँ पर गजल खत्म हो गई, कता हो गई, खत्म होना, तो वो मक्ता कहलाता है। और मक्ते में शायर अपना शायराना नाम यानी तखल्लुस पेश करता है, और गजल जहां से शुरू होती है उसको मतला इसलिए कहते हैं कि वहां से गजल शुरू हो रही है, तुलू हो रही है, मतला तुलू होना यानी शुरू होना। तो इस तरह गजल की ये खास बात है, इसके बारे में हम देखते हैं, देखा कि हमने गजल किसे कहते हैं, गजल की हैयत क्या है, इस तरह से हमने उसके बारे में देखा। तो अब आइए अगली स्लाइड जो है, तो जो कुछ गजल के बारे में कहा गया है ये किताब में हमारे शामिल है,
और गजल के उन्वान देख रहे हैं आप ऊपर लिखा हुआ है, तो गजल के बारे में वही जो कुछ बात की गई है यहाँ थोड़ी और तफसील से बात की गई है, तो हम तालिबे इल्मों से गुजारिश करेंगे कि जो कुछ आपके किताब में गजल के बारे में, गजल की तारीफ के बारे में दिया गया है उसे जरूर पढ़ें। जी आगे स्लाइड, अगली स्लाइड। अब ये वली मोहम्मद के बारे में, वली मोहम्मद का इनका नाम था, इनको वली तखल्लुक था इसलिए इनको वली मोहम्मद वली कहते हैं, लेकिन इनके बारे में हम जानने के लिए तीसरी स्लाइड पे आएंगे। तीसरी स्लाइड पीछे आप आ जाइए, तीसरी स्लाइड पीछे आइए, और पीछे और पीछे और पीछे और पीछे और बस हाँ नहीं नहीं इसके आगे बढ़िए, एक आगे बस ठीक है। तो ये वली का यहाँ से तारुफ शुरू होता है, इनके आबा अजदाद गुजरात में मुकीम थे और किसी जमाने फिर वहां से हिजरत करके और दक्कन आ गए थे, औरंगाबाद आ गए थे। और वली का जमाना यह 1667 में इनकी पैदाइश है और 1707 में इनका इंतकाल हो गया था, पैदाइश औरंगाबाद में हुई थी। इनका नाम वली मोहम्मद था, तखल्लुस वली कहते हैं इन्हें। आमतौर पर वली दक्कनी भी कहा जाता है और वली गुजराती भी कहा जाता है, क्योंकि ये दक्कन के रहने वाले थे तो दक्कनी भी कहा गया, और चूंकि गुजरात के आबावजदाद थे इनके इसलिए इनको गुजराती भी कहा जाता है, दोनों नाम से मशहूर है, वली दक्कनी या वली गुजराती। किताबों में जब आगे पढ़ेंगे तो यही हमें इन्हीं दोनों नामों से उनका बारे में पता चलेगा। इनकी इब्तदाई तालीम, शुरू की तालीम औरंगाबाद में हुई, फिर शाह वजीउद्दीन गुजराती उस वक्त खानकाह चलाते थे, मदरसा था उसमें उनके ये उस्ताद थे, वहां से उन्होंने तालीम मुकम्मल की, और फिर शाह नूरुद्दीन सोहरवर्दी की मुरीद हुई है, खानकाह सोहरवर्दिया है वहां से ये मुरीद हुई है। उसके बाद उनको तसव्वुफ का भी शौक था, क्योंकि शायरी का शौक बचपन से था, कसीदा और मसनवी भी इन्होंने कही है, उस पर जो है दक्कन में आमतौर पर जो शायरी की होती थी वो ज्यादातर मसनवी के फॉर्म में लिखी जाती, जो कसीदे भी होते थे उसमें जंग हरब के हालात भी हैं, ऐसे नुसरते की मसनवी बहुत मशहूर है, तो शायरी का कसीदा और मसनवी का आमतौर पर जोर था, लेकिन कसीदा और मसनवी के बरक्स वली ने खास तौर से गजल की तरफ ज्यादा तवज्जो की और बहुत जल्द उसको जो है बामुरूज तक पहुंचा दिया, दर्जे कमाल तक पहुंचा दिया, यानी वली की वजह से गजल को बहुत ज्यादा शोहरत मिली। अगली स्लाइड। तो इसके चूंकि इनको शायरी का शौक बचपन से था, इनको इस्तादी में असर आता था, तो ये अपने वक्त के सबसे बड़े शायर थे वली, तो इन्होंने फारसी गजल के मजामी और तजबियात शेरात को गजलों में जगह दी। उस पर जो शायरी होती थी लोगों का रुझान ज्यादातर फारसी की तरफ था, और फारसी में आमतौर पर जो मजामीन होते थे जिस तरह से उसमें सिमरी और मेटाफर का इस्तेमाल होता था, उसको उन सब को वली ने इस्तेमाल किया और बहुत खूबसूरती से अपने गजलों में जगह दी और एक नई रवायत का आगाज किया, जो आमतौर पर गजल और कसीदा में लोग अपनी बात कहते थे, वली ने उन्ही बातों को गजल के जरिए बना पेश करने की कोशिश की। और वली की एक खास खूबी यह है कि ये शुमाली हिंद में भी मकबूल हुई है और दक्कन, यानी शुमाली हिंद और दक्कन को जोड़ने वाले एक खास है ये शायर थे वली मोहम्मद वली। जब इनकी शायरी वहां पहुंच के शोहरत हुई, इनका एक नई चीज में बुनियाद डाली, एक नई रिवायत का आगाज किया, तो उनकी शायरी की बहुत शोहरत हुई, धीरे धीरे यह शुमाली हिंद यानी दिल्ली तक पहुंची आवाज। तो इनका दीवान अपना पहले भेजा इन्होंने, कि यानी दीवान उसको कहते हैं जिसमें किसी शायर का कलाम जो है अल्फाबेटिकली दर्ज होता है, तो इनका दीवान दिल्ली में पहले आया, बाद में ये 1700 में खुद दिल्ली आए, तो इस वक्त लोगों ने इनसे इस्तफादा भी किया, इनका इस्तकबाल भी किया, और इनकी शायरी को जब पढ़ा, जब इनसे मिले तो लोग जो दिल्ली में शायरी होती थी उसमें उससे जरा हटकर लोग इधर के तो मुतवज्जे हुए और उस तरफ आए जो है। तो गजल के बारे में एक बात ये भी रहे, मजामीन के अतबार से देखें तो गजल आमतौर पर कहते हैं महबूब से बातें, औरतों की बातें करना या औरतों से बातें करना, दोनों बातें, औरतों की बातें करना या औरतों से बातें करना, शुरू शुरू में गजल के यही मौजूद था, और फारसी में तो खास तौर से, लेकिन इसमें तसव्वुफ के मजामीन भी बहुत रहे हैं। और जो है चूंकि गजल का एक ऐसी सिंफ सुखन है, इसमें अगर से जो है औरतों की बातें करना, औरतों से बातें करना, इसको अहमियत दी जाती थी, लेकिन धीरे धीरे आज दुनिया का कोई ऐसा मौजू नहीं है जिसको गजल में ना समाया जा सके, जिसको गुंजाइश गजल में ना हो। और गजल एक ऐसा पेन है कि ज्यादा फन है कि जिसमें ज्यादा ज्यादा बड़ी बात को दो मिसरों में या दो लाइनों में कह दी जाती है, बकौल शायर कि हमसे पूछो कि गजल क्या है, गजल का फन क्या है, चंद लफ्जों में कोई याद छुपा दी जाए, तो दो लाइनों में जो आग छुपाने का काम है
वो एक शायर बेहतर तरीके से करता है, उसकी अपनी जो दिली कैफियात होती है, जो तर्जुमा जो जज्बात होते हैं, जो उसके अपने एहसासात होते हैं, दाखिली तौर पर जो कुछ वो महसूस करता है दो लाइनों में वो पेश कर देता है। तो गजल के इनके वली की गजलों में भी या हुस्न इश्क की बातें हैं, यानी ये औरतों की बातें हैं, इंसान से इंसानियत की तो दोस्ती की बातें हैं, मोहब्बत की बातें हैं, और इसके अलावा इन्होंने तसव्वुफ के मज़ामीन भी इन्होंने बहुत कसरत से बांधे हैं, क्योंकि उस वक्त तसव्वुफ का बहुत जोर था, खासतौर से दखन में और गुजरात में कई ऐसे जो है सूफी शायर उभरे हैं जिनको जो है अहमियत दी गई है, तो वली भी उससे मुतासिर, तो उनके यहाँ भी ये मज़ामीन मिलते हैं। और इश्किया वारदियात और कैफियात में सुरूर मस्ती का अंदाज है, इन्होंने जो भी गजलें कही हैं जिस को देखा है तो गजल को पढ़ने के बाद, इनके कलाम को पढ़ने के बाद अंदाजा होता है कि इन्होंने गजल जो है बहुत डूब कर इनकी जो कैफियत थी, जो वारदात थे, जो एहसासात थे, उनको बहुत ही अच्छे तरीके से कलमबंद किया है। और एक दो चीजें और होती हैं कि दाखिली असरात होते हैं, खारजी असरात, यानी जो कुछ हम खारजी दौर पे देखें जो है दुनिया में देखें जो उधर अपने आसपास इर्द गिर्द, वो दाखिली कैफियत होती है, लेकिन उस दाखिली कैफियत ने शायर के अंदर क्या तब्दीली पैदा की, वो खारजी हैसियत ने शायर के अंदर क्या तब्दीली पैदा की, और शायर ने उस तब्दीली को किस तरह से दाखिलियत में शुमार करके फिर उसको लिखा, तो वो दाखिली असरात कहलाते हैं। यानी खारजी सी खारजियत से दाखिलियत की तरफ आना, तो इनके यहाँ दोनों चीजें जो है बहुत अच्छे तरीके से मिलती है। और वली की खूबी यह भी कि इनके यहाँ फारसी, हिंदी और देसी अल्फाज के इस्तेमाल से कलाम में हुस्न पैदा हो गया है। और इनकी गजलों को अगर हम देखते हैं तो उस जमाने की गजलें हैं कि जब दक्कन में कुछ खास एक जो है अल्फाज इस्तेमाल होते थे, जैसे आज हम से कहते हैं तो से की जगह सू की जगह को, जैसे काफ वा नून तो के बोलते हैं कु, को इसी तरह सीने के सीना कहते हैं, तो और के लगा वो हौर हा इस्तेमाल करते थे, है की आवाज निकलती थी हौर, आज हम लोग और बोलते हैं तो वो हौर है, और जीव जैसे ऊपर को ऊपर बोलते थे, और इसी तरह बहुत सारे अल्फाज हैं, जैसे हमन है हमको वो है, तो इस तरह बहुत सारे अल्फाज वो इनके यहाँ मौजूद है। इसी तरह इनके यहाँ जो है सजन है, साजन है, मोहन है, तो बहुत सारे हिंदी अल्फाज को बड़ी खूबसूरती के साथ उर्दू की गजलों में इन्होंने पिरोया है, और एक तरह समझे कह देते हैं पूरी हिंदुस्तानी तहजीब इनकी गजलों में नुमाया है। और जैसे हम इनके गजलों के बहुत सारे गजलें भी देखते हैं, जैसे इनकी गजलें हैं कि ये कहते हैं कि वो सनम जब सु बसा दी जाए हैरान मया, वो सनम जब सु बसा दी जाए हैरान मया, आतश इश्क पड़ी अक्ल के सामान में आ, शोल बेहतर है इश्क बाजी का, क्या हकीकी वो क्या मजाजी का। तो आमतौर पर इश्क की दो कैफियत होती है, एक हकीकी होता है एक मजाजी होता है। हकीकी इश्क वो है जिसको अब हम अल्लाह ताला से की तरफ से रुजू करते हैं और अल्लाह ताला से लोग लगाते हैं, उसी की तरफ अपना ध्यान करते हैं, तो वो इश्क हकीकी है। और इश्क मजाजी है क्या है, वो इंसान का इंसान से रिश्ता, इंसान से इंसान का इश्क जो है, जिसमें जो है निस्माली इश्क जो है वो खासतौर से इंसान की फितरत में उसके दिमाग में दिलो दिमाग पे ज्यादा हावी रहा है, और पूरी उर्दू गजल उसकी नुमाइंदगी करती है जो है। तो इसी तरह जो है बहुत सारी खूबियां इनके कलाम में है, जाहिर सी बात है कि सारी चीजों को अहाता करना मुमकिन नहीं है। अब आइए हम आगे की तरफ देखते हैं कि किन गजल में, वली की गजल में क्या खास बात जो गजल आज हम पढ़ने जा रहे हैं। जी ये 9 नंबर निकालिए, स्लाइड नंबर 9। हाँ ठीक है जी, बस अब देखिए कि यहाँ पर गजल आ गई, आज जो हमारे निसाब में शामिल है गजल, वो गजल यहाँ पर जाहिर की गई है। और इसमें देखिए कि दो रंगों बल्कि तीन रंगों का इस्तेमाल किया गया है, एक काला रंग तो वही जो पूरे इस्तेमाल हुआ पूरी गजल के लिए, लेकिन उसी में हमने बहार, एतबार, करार, खुमार वगैरह इन सब को अलग करके वहां भी अलग कर दिया अलग निशान से, फिर हमने यहाँ ऊपर लिख दिया ये काफिया। इन काफिये के नीचे आप देखिए कि ये सारे काफिये लफ्ज हैं, बहार, एतबार, करार, खुमार और अदीब, जैसा कि हमने कहा शुरू में जो आती है वो पूरी गजल में आखिर तक वही रहती है, तो इस गजल की रदीब होती है। यहाँ पर आप देखिए कि पहले शेर में मुफलिसी सब बहार होती है, मर्द का एतबार होती है। मुफलिसी जाहिर की बात है कि हम किसको कहेंगे, गुरबत को कहेंगे, नादारी को कहेंगे, गरीबी को कहेंगे,
तो मुफलिसी सब बाहर होती है, मर्द का एतबार होती है। आम तौर पे दुनिया में बाहर किस वजह से, रौनक किस वजह से, जिसके पास पैसा हो, जिसके पास अपनी जरूरतों को पूरी करने का साजो सामान हो, कोई भी जरूरत हो कोई भी, तो उसी से जिंदगी में बाहर जाए। अगर जो है मुफलिसी है इंसान के पास, आदमी के पास, तो जाहिर बात है उसकी कोई हैसियत नहीं होती, और आमतौर पर समाज भी उसको इज्जत नहीं देता, बहुत कम देता है। तो एक ऐसी हकीकत का बयान किया यहाँ पर वलीम ने इस मतले में कि मुफलिसी सब बाहर होती है, मर्द का एतबार होती है, होती है मतलब खत्म कर देती है, जिसका कोई लगाव नहीं होता, जो है कोई गुमनाम कर देती है आदमी को, मर्द का एतबार होती है, उसकी कोई वक्त नहीं रहती, कोई इज्जत नहीं रहती, यहाँ तक कि घर में भी उसको लोग शक की नजर से देखते हैं कि कम से कम अगर वो शाम को आए घर पे तो इतना पैसा हो कि दो वक्त की रोटी का इंतजाम हो सके उसके लिए, लेकिन अगर ये सूरत हाल नहीं है तो जाहिर सी बात है उसके लिए बड़ी अफसोसनाक होती है। और आज हम तो आज अपने समाज में ये नजारा हम देखते रहते हैं। तो एक ऐसी चीज को जिसको शायद ने तकरीबन 250 साल पहले, 300 साल पहले कलमबंद कर दिया था कि मुफलिसी सब बाहर होती है, मर्द का एतबार होती है, यह कैफियत हम महसूस करते हैं, लेकिन शायरी में उसको पेश करना ये एक बड़ी फनकारी होती है। वली की गजल में यह फनकारी हमें देखने को मिलती है। अब आइए दूसरे शेर पे देख, क्यों कर हासिल हो मुझको जमीयत, क्यों कर हासिल हो मुझको जमीयत, जुल्फ तेरी करार होती है। जैसा कि हमने कहा कि औरतों की बातें करना या औरतों से बातें करना, तो उस जमाने की एक तो जबान देखिए, क्यों कर हासिल हो मुझको, मुझ भी आजकल हम झा के हम हकारी आवाज के साथ इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उस जमाने में जो इसी दो हर्फ यानी माँ और जा की आवाज मिला के हमने मुझ कर दिया हूँ यानी मुझको, और एक लफ्ज है जमीयत। यहाँ पर हम ये को दो बार पढ़ेंगे, जमीयत माने सुकून, ठहराव, करार, क्यों कर हासिल हो मुझको जमीयत, यानी मुझे इत्मीनान क्यों कर नसीब होगा, क्यों कर सुकून मुझे मिलेगा, यानी नहीं मिल सकता। जुल्फ तेरी करार होती है, आमतौर पर जुल्फ कहते हैं महबूब के बालों को, लंबे बालों को जो है जुल्फ कहते हैं, तो महबूब के लंबे बालों को जब भी देखते हैं तो इंसान उसके जो है तमन्ना करता है, तलब करता है, उसके साथ बैठने की बात ख्याल आता है और गुफ्तगू को बातचीत करने का ख्याल आता है, लेकिन जब भी ये बात हम महबूब को देखते हैं, उसकी जुल्फों को देखते हैं, तो हमें अगर थोड़ा बहुत पहले से सुकून मैसर भी होता है तो वो सुकून हमारा महबूब को देखने के बाद, दोस्त को देखने के बाद वो खत्म हो जाता है, वो बरकरार नहीं रहता। क्यों कर हासिल हो मुझको जमीयत, यानी मुझे सुकून नहीं नसीब हो सकता, करार नहीं नसीब हो सकता, जमीयत हासिल नहीं हो सकती, जो है इसलिए नहीं हासिल हो सकती कि तेरी जुल्फ जो है वह परेशानी का सबब जो है, जो भी तेरी जुल्फ को देखता है वो परेशान हो जाता है, उसका करार खत्म हो जाता है। इसी तरह यहाँ पे देखिए करार जो है वो काफिया है, पहले शेर में जो है बहार और एतबार काफिया था, दूसरे शेर के में करार ये काफिया है। इसी तरह आप देखिए कि अब तीसरा शहर हम देखते हैं कि हर शहर शोक की निगाह की शराब, मुझ अखा का खुमार होती है। अब देखिए कि यहाँ पर मुझ आ गया और अखा, अखा आपका कहीं ये लफ्ज बोलना नहीं आता, लेकिन आप समझ गए कि यहाँ अखा से क्या मुराद है, यानी आंखें, अखिया भी आया है, अखा भी आता है, वहां जैसा भी उस जमाने में इस्तेमाल होते थे अल्फाज। तो शायर ये कहने की कोशिश कर रहा है, वली ने इस शेर में ये कहने की बात की कि हर शहर शोक की निगाह की शराब, शहर कहते हैं सुबह को, अगर हम इसको दबर के साथ पढ़ेंगे तो शहर है जिसका मतलब सुबह, यश, और अगर सीन पे हम जेर लगाते तो शहर, शहर का मतलब जादू होता है, तो यहाँ जादू नहीं पढ़ा जाएगा बल्कि यहाँ पर शहर पढ़ा जाएगा, यानी हर शहर नहीं हर सुबह हम उस शोक की निगाह की शराब की मानें, हर शहर शोक के निगाह के शराब, जब महबूब को देखते हैं तो आप देखते हैं जब हम सोकर उठते हैं सुबह में तो आंखें पूरी नहीं खुली होती, बल्कि कुछ खुली होती है कुछ बंद रहती, जब तक कि आप हाथों को आंखों को मले नहीं मीचे नहीं तब तक पूरी आंख नहीं खुलती, प्यारी कुमार की नींद, नींद की हालत होती है, सोने की हालत होती है, कैफियत होती है। तो उसी को शायद ने यह कहा है कि महबूब की जो निगाह है जब सुबह में देखे तो ऐसा लगता है कि वो शराब पीकर जो है उठा हुआ है, उसकी आंखें जो है खुमार आलूद है, उसकी आंखों से शराब की कैफियत जाहिर हो रही है, और जब उसकी आंखों से शराब की कैफियत जाहिर होती है तो मुझ अखा का खुमार हो जाए, यानी मेरी आंखों का जो कुछ खुमार होता है वो गायब हो जाता है, यानी मैं उस पर हैरान हो जाता हूँ, परेशान हो जाता हूँ उसको देख कर, यानी वही बात जो पहले मेरे शहर में, इससे पहले शहर में कही गई है, वही बात यहाँ दूसरे शहर में
जरा मुख्तलिफ अंदाज में दूसरे हवाले से कही गई है कि हर शहर शौक की निगाह की शराब, यानी आंखों में जो खुमार होता है, जो शराब होते हैं उसकी वजह से जो जो देखता है उसको वो परेशान हो जाता है। इसी तरह और देखिए आगे आते हैं, अगला स्लाइड आइए जो है इसमें देखिए, दो शेर और, क्योंकि मिलना सनम का तर्क करूं दिल बरी अख्तियार होती है, यानी सनम कहते हैं महबूब को, बुत को। शायरी में सनम से मुराद महबूब मुराद लिया गया है, दोस्त मुराद लिया गया, महबूब की बात की गई है। तो शायर ये कहता है कि मैं उसका तर्क करना, उसको छोड़ देने का तसव्वुर कैसे करूं, दिल बरी अख्तियार होती है, मैं तो चाहता था कि उसको छोड़ दूं, उसको अपने दिल में ना रखूं, उसके पास में जाऊं ना जाऊं, इसलिए कि उससे मिलता हूं जबकि उसके बारे में सोचता हूं वो मुझे बेचैनी होती है, परेशानी होती है, लेकिन अगर मैं उसको छोड़ने का तसव्वुर भी करता हूँ, तर्क करता हूँ, तो दिल बरी अख्तियार करती है। दिलबर कहते हैं दिल रखने वालों की, यानी मुराद महबूब, और दिलबरी कहते हैं एक कैफियत है वो महबूब की, कि जो दोस्ती है वो अख्तियार को देती है, उस पर हमारा अख्तियार नहीं है, हमारा काबू नहीं है। हम चाहते तो है कि महबूब का तसव्वुर ना करें, उसको छोड़ दें, उससे बातें ना करें, लेकिन क्या करें, जैसे हम ये ख्याल करते हैं वो उस पर हमारा अख्तियार नहीं रहता, वो दोस्ती जो है वो अख्तियार को खत्म कर देती है। अब आइए आखिरी शेर को लेते हैं, ये मक्ता कहलाता है, मक्ता जैसा कहने था कि जहां गजल खत्म हो जाती है और जिसमें शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल करता है। तो वली का नाम वली है, उन्होंने तखल्लुक भी वही इस्तेमाल किया है, उनका तखल्लुक भी वली था। अरे वली आप उस परी रोकी मुझ सीने का गुबार होती है, आप कहते हैं वैसे पानी को कहते हैं फारसी में, लेकिन आपका मतलब चमक भी होता है, और यहाँ परी रूप यानी परी के जैसे चेहरे वाला, मुराद बहुत खूबसूरत बहुत हसीन दोस्त महबूब, जो उसका चेहरा परी के जैसा है और जिसकी चमक बहुत ज्यादा है, मुझ सीने का गुबार खोती है, और मेरे सीने में जो रंजीदगी है, जो नाखुशी है, मेरे सीने का गुबार यानी जो कुछ मैल है, जब उसको देखता हूँ तो वो खत्म हो जाती है, वो गुबार खत्म हो जाता है, वो मैल खत्म हो जाता है, क्यों, इसलिए कि आए बनी आप उस परी रुक उसके चेहरे को देखने से ही मेरे दिल की तमाम जो है रंजीदगी नाखुशी खत्म हो जाती है, यानी महबूब के देखने से, दोस्त के मिलने से, दोस्त को देखने से एक खुशी हासिल होती है, एक तसव्वुर जो है अंदर अंदर बहुत अच्छा महसूस होता है और इंसान को इत्मीनान होता है। तो आपने देखा कि पांच अशार की गजल में मुख्तलिफ कैफियात की तर्जुमानी की है शायर ने अलग अलग हवाले से। तो शायरी एक ऐसी चीज है, गजल एक ऐसी जिसको गजल के जैसा कि हमने बताया था कि हर शेर अलग अलग मतलब होता है और अलग अलग उसमें कैफियत होती है, तो वली की इस गजल में भी यही कैफियत देखने को मिलती है। तो इस गजल के हवाले से और बहुत सारी बातें की जा सकती है, तालिब इल्मों मेरी आपसे गुजारिश है कि आपके गजल चूंकि आपके निसाब में यहाँ से शुरू हो रही है गजल का पोर्शन, तो आप पहली गजल आपने वली की पढ़ी, इसके बाद मीर की पढ़ेंगे, गालिब की पढ़ेंगे, बहुत सारे शोरा शुरू से लेकर आखिर तक, तो जैसे जैसे आप गजलों को पढ़ते जाएंगे न सिर्फ आप गजल को समझेंगे, उसके मफहूम को समझेंगे, बल्कि एक जबान का एक जायका आपको मिलेगा कि किस तरह से लोगों ने अपनी बात कहने के लिए एक ही बात को मुख्तलिफ शोरा ने किस तरीके से पेश किया, ये भी आप देखेंगे, मुख्तलिफ जो है आप रूप देखेंगे। तो हमें उम्मीद है कि आज आप वली की गजल पढ़कर और भी गजलों को पढ़ने का आपको सुनने का एहसास जरूर पैदा हुआ होगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सर क्या कमाल की ये गजल थी, और गजल से जुड़ी आपने काफी अच्छी अच्छी बातें यहाँ पर बताई। चंद लाइनें मैं भी आपके सामने रख रहा हूँ, ये थोड़ा सा हमारे जो दर्शक जितने भी देख रहे हैं, जल्दी से आपको एक मिनट में बताने की कहाँ ये सोचने वाले का इंतखाब जा रहा है। वो कहता है कि जरा यूं भी यहाँ मेरी आंख में कि नजर को मेरी खबर ना हो, और मुझे एक रात नवाज दे उसके बाद फिर सहर ना हो, और वो बड़ा रहीम व करीम है, मुझे ये शिफत भी अता करे, दुआ करूं और दुआ में मेरी असर ना हो, चाहता है वो फिर दुआ में कबूल नहीं हो रही। ये नहीं, ये तो ऐसी है, तो बशीर बद्र का कलाम है, और जाहिर सी बात हमने कहा कि शायर के अंदर की जो तर्जुमानी होती, जो उसकी कैफियत होती है, किस तरह वो उसको दो मिसरों में या चंद लफ्जों में बयान करता है। जैसा कि हमने कहा कि गजल की तारीख की चंद लफ्जों में कोई आग छुपा दी जाए, बड़ी बड़ी तकरीर बड़े बड़े फनकारों में बात नहीं होती, लेकिन एक गजल का एक शेर आपके अंदर वो कैफियत पैदा कर देता है कि आप कहते हैं वाह क्या बात कही। तो आप देखिए गजल का एक पूरी तहजीब का नाम, ये सिर्फ नहीं है कि औरतों की बातें करना है, औरतों से बातें करना है, जैसा कि हमने शुरू में कहा था ये, लेकिन आज की गजल
पहले के गजल के मुकाबले में बहुत तब्दील हो चुकी है। गजल के फॉर्मेट तो वही रहा लेकिन मौजू में बहुत नुमाया तब्दीली हो गई। अब कायनात का इस यूनिवर्स का कोई ऐसा मौजू नहीं है जो गजल में समझाया जा सके। तो गजल का एक ऐसा दायरा इसका वसी है कि हम जहां जहां से भी देखें हम उस बात का पेश कर सकते हैं जो है। तो जैसे जैसे हमारे तालिब इल्म या कोई भी गजल को पढ़ता जाएगा गजल के बारे में पढ़ेगा बहुत शुक्रिया आपके इस जुड़ाव के लिए। काफी सारी बातें करी, कुछ चीजें छूट गई, वो अगले सेशन में हम कुछ फिर कभी बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने अपना कीमती वक्त हमारे दर्शकों को दिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपका भी शुक्रिया बच्चों, आपका भी शुक्रिया, मेरा कि आप इसको और पढ़ेंगे। चलिए अगला सेशन जो है वो है वेबिनार, और वहां पर हम बात करेंगे टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन। बने रहिए मेरे साथ।